नरजू के काफिले पर काला झंडा दिखाने पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी आकाश यादव ने नरेश उत्तम से खास बातचीत की, सुनी। नरेश उत्तम जी, बताइए कि आज ममता बनर्जी का बनारस जिस तरीके से ललकारना, क्या लगता है पूर्वांचल की भी सीटें बाकी है, बनारस की सीटें बाकी है, इनके ललकारने से क्या असर होगा? देखिए, पहले चरण से साफ हो गई थी पिक्चर कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी और समाजवादी पार्टी गठबंधन आएगा। ये सातवें चरण की इतनी बड़ी विशाल जनसभा, ये साबित होता है कि सातवें चरण के बाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन 350 के ऊपर निकल जाएगा। कल उनके काशी विश्वनाथ दर्शन के दौरान उनको काला झंडा दिखाया गया था, कहा जा रहा था ममता जी वापस जाओ। यही है गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी की। एक बंगाल की मुख्यमंत्री, एक महिला यहाँ पर आवे और उनके अपमान करें, इस तरीके का अपमान काशी के लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। लगातार भाजपा कह रही है कि ममता बनर्जी का कोई भी काम नहीं होगा यहाँ पे, मतलब कुछ बोले उनका काशीवासी नदारद हो जाएंगे। काशी वाले केवल महादेव के भक्त हैं और मोदी जी के भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ होगी और यहाँ महादेव ही उनको साफ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने इन्होंने झूठ बोला, झूठ की पोल जनता ने खोला है और बीजेपी को यहाँ से साफ होना है। कितना सीट आ सकता है आखिरी चरण में? सातवां चरण आते आते 350 सीटें समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतेगा।